और श्रेय आपको दिखाते हैं किस तरीके से एक शख्स चकमा देकर 7 लाख रुपए की बाइक को 7,000 रुपए में लेकर रफू चक्कर हो गया। यह पूरा मामला साइबर सिटी का है। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक शख्स 7 लाख रुपए की बाइक मात्र 7,000 रुपए में लेकर वहां से फरार हो गया। इस शख्स ने बाइक के मालिक को 7,000 रुपए एडवांस दिए और ट्राई करने के नाम पर बाइक लेकर चला गया, लेकिन उसके बाद ये वापस नहीं लौटा। पीड़ित बाइक मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बाइक लेकर फरार हुए शख्स की तलाश शुरू कर दी गई है। दरअसल पालम विहार के अजय कुमार ने अपनी बाइक खाली डेविडसन को बेचने के लिए उसकी डिटेल ओएलएक्स पर डाली थी। इसी के बाद उसे खरीदने के लिए राजेश नागर नाम के व्यक्ति का फोन आया। इसके बाद खरीदार ने इस बाइक की टेस्ट ड्राइव करने की बात कही। टेस्ट ड्राइव के दौरान ही खुद को बाइक राइडर बताने वाला युवक उस बाइक को लेकर फरार हो गया। सेक्टर 34 में राजेश नागर नाम के इस व्यक्ति ने बाइक के शोरूम पर जाने की बात कही। बाइक के शोरूम पर जब गए तो वहां पर उसने बाइक के बारे में शोरूम कर्मियों से रेट और उसकी जानकारी ली। इसके बाद उस व्यक्ति को पूरा विश्वास हो गया। बाइक के टेस्ट ड्राइव लेने के बाद खरीदने की बात भी कही, लेकिन इस दौरान उसने एडवांस के नाम पर 7,000 रुपए भी दिए, लेकिन इसके बाद वो बाइक लेकर फरार हो गया। पोस्ट को देख के एक लड़का राजेश नागर, जो उसने बतलाया है, उसके संपर्क में आया और व्हाट्सएप पे उनकी बातचीत हुई। 13 जून को वो एक बार इस बाइक के संबंध में सेल के संबंध में साइबर हमें मिले और उसके बाद 15 जून को वो दोबारा मिले हैं और उन्होंने एक कैपिटल शोरूम है हार्ले डेविडसन का, उसके ऊपर उस बाइक को इंस्पेक्ट करवाया और डील उनकी 7 लाख में मैच्योर हुई और जिसमें 7,000 रुपये उसने एडवांस दिए और उसकी टेस्ट ड्राइव के लिए वो बाइक को लेके गया। इसके बाद वो अपना फ़ोन उसने बंद कर दिया और बाइक को लेके फरार। इस संबंध में उसने कंप्लेंट की जिसकी जाँच चल रही है। अजय कुमार की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं बाइक मालिक का कहना है कि 7 लाख रुपए में बाइक बेचने की बात पक्की हुई थी, लेकिन धोखे से वो उसकी बाइक को ले गया। सदर थाने मामला दर्ज हो गया है, साथ ही साइबर सेल से भी इस पूरे मामले में मदद ली जा रही है। सुशील सिंह, टोटल न्यूज, गुरुग्राम।